अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रा को, और किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से फ्री के अंदर जो टेम्पलेट्स मौजूद हैं उनको किस तरह से इंपोर्ट करना है, आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ वन क्लिक के अंदर आप अपनी वेबसाइट को कम्प्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर अपनी वेबसाइट को विजिट करूँ तो ये बिल्कुल कम्प्लीट खाली वेबसाइट है, राइट। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, थीम्स के अंदर जाना पड़ेगा, अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने सर्च करना है एस्ट्रा, ठीक है। सिंपल ये सर्च करेंगे और ये हमारे पास थीम है, सिंपल हमने इंस्टॉल किया इसको। इंस्टॉल करने के बाद ये हमसे कहेगा कि इसको एक्टिवेट करें, तो यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट भी कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल खाली वेबसाइट मेरी कुछ इस तरह से मौजूद है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, गेट स्टार्टेड। अब फ़र्ज़ करो ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं नज़र आता किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, तो नॉर्मली ये ऑप्शन आपको नज़र आता है, राइट। तो आप इसको क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड, ठीक है, और ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, एक्टिवेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से ब्लैंक शो कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये URL मिटा दूँगा और वापस डैशबोर्ड के अंदर चला जाऊँगा, अगर आपको इस तरह से कुछ इशू नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास। अगेन मैं अपनी वेबसाइट को रिसेट करता हूँ, तो ये बहुत ही बेसिक सा जो डिज़ाइन है नॉर्मल ये है, राइट। अब यहाँ पे देखें अगर अपीयरेंस के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मौजूद स्टार्टर टेम्पलेट्स का। सिंपल इसके अंदर क्लिक करना है इसके ऊपर मैंने। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, लेट्स सपोज मैं अभी वापस चल के आपको दिखाता हूँ, अगर ये स्टार्टर टेम्पलेट वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने क्या शोर करना है, प्लगइन्स के अंदर जाना और यहाँ पे देखना है कि ये प्लगइन आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर ये नहीं इंस्टॉल्ड तो आप सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओगे और यहाँ पे ये सर्च करोगे स्टार्टर टेम्पलेट्स का, राइट, और ये वाला प्लगइन जो है आप इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन बिल्डर्स हैं, एक जो वर्डप्रेस का इनबिल्ट बिल्डर है, ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटर है, और बीवर बिल्डर है। मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा आप लोगों को आप एलिमेंटर को चूज़ करें। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स नज़र आ गई हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इनको हमने अब इम्पोर्ट करना है। लेट्स सपोज अब मुझे आप अपनी कन्वीनियंसी के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ से जो टेम्पलेट्स है उसको चूज़ करेंगे और फिर उसको एडिट करेंगे। तो ये सारे काम हम सीखेंगे, आगे चल के मैं आपको एडिटिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारे जो डिज़ाइंस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, जो भी आपके मुताबिक हो, सूटेबल हो, आप वो जो थीम है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियम जो है वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, बट स्टिल आपको फ्री के अंदर काफ़ी सारे जो डिज़ाइन हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप कैटेगरी से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपको किस तरह का चाहिए। लेट्स सपोज मैं एजेंसी के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल एक एजेंसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी सारे थीम्स आ गए, जो कि यहाँ पे देखें ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये प्रीमियम है, यहाँ पे कुछ प्रीमियम्स हैं, कुछ फ्री हैं। तो आपको ऑब्वियसली बात है विद इन फ्री के अंदर ही रह के चूज़ करना पड़ेगा अभी के लिए, आगे चल के मैं आपको प्रीमियम का भी दिखाऊँगा। तो अभी के लिए मुझे जो अच्छा डिज़ाइन लग रहा है वो ये काफ़ी अच्छा और सूटेबल लग रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, गो बैक जाके अगेन यहाँ से एजेंसी सेलेक्ट करके, ये थीम काफ़ी अच्छा है, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ये मुझे कुछ इंटरफेस दिखाएगा कि जब आप इसको इंपोर्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ये थीम कुछ इस तरह से नज़र आएगा, राइट। लाइव प्रीव्यू भी देख लिया, अब आपने क्या करना है, इसको स्किप एंड कंटिन्यू कर देना सिंपल। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें डिफरेंट कलर्स हैं, आप इन कलर्स को यहीं से चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ इस वाले कलर के साथ, ब्लू, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इस कलर के साथ चलता हूँ। और मैं सिंपल इस पर क्या करता हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, इसको मैं कुछ भी फिल नहीं करता और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सबमिट एंड क्रिएट। अब यहाँ पे देखें ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया कंप्लीट डिज़ाइन, और ये विद इन सेकेंड्स के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगी। अब उसको एडिट किस तरह से करना है, अपने मुताबिक उसके अंदर टेक्स्ट की एडिशन, डिलीशन, पिक्चर्स की एडिशन, डिलीशन, वो आगे चल के मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बट यहाँ के लिए हमने क्या सीखा,
किस तरह से आस्ट्रो इंस्टॉल करना है और स्टार्टर टेम्पलेट्स को एक्सेस करके जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है उसको अपनी वेबसाइट पर किस तरह से अप्लाई करना है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो पूरा हो चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट को जब विजिट करूँ तो यहाँ पे देखें हमारी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन हो चुकी है उसी डिज़ाइन के मुताबिक। ये देखें कितनी अच्छी और ज़बरदस्त। यहाँ पे किस तरह से एडिट करना है इस पूरे डिज़ाइन को, किस तरह से लोगो चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, इसके ऊपर लिंक लगाना है, इन डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करके किस तरह से इनको एडिट करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मज़ीद टिकटॉक पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है मुझे डायरेक्ट पीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।